दानपुर सेवा समिति ने हरेला पर्व के मौके पर नीलेश्वर चोटी में पौधरोपण किया तथा हरियाली व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दानपुर सेवा समिति के सदस्यों ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व है जो कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। सेवा समिति ने सावन के महीने में अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की। यहां बता दें कि दानपुर सेवा समिति सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम करती है। देखिए, आज जो है वृक्षारोपण और पर्यावरण एक वैश्विक आवश्यकता हो गया है। केवल देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, बल्कि विश्व की यह आवश्यकता है। संविधान में लिखा गया है कि हम नागरिकों को शुद्ध वातावरण में, शुद्ध आबोहवा में, शुद्ध पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार है। लेकिन शुद्ध पर्यावरण तैयार करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। दानपुर सेवा समिति ने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया यहाँ पर, और यह एक रजिस्टर्ड संस्था है और अद्यावधि जो है नवीनीकृत है। और जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं और जितने भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, स्थानीय हों, राजकीय हों, तो उनमें दानपुर सेवा समिति पूरा सहयोग करती है और सबसे आगे रहती है। हमारे संस्था में पूर्व सैनिक हैं अधिकांश और पूर्व शिक्षक हैं सब। हम लोग जो है लगभग सीनियर सिटीजन हैं और एक युवा वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हमने जो है, जो हमारी संस्था के अंदर एक एक्शन कमेटी बनाई गई है, उसमें युवा रखे गए हैं। हमने अनुभव और ऊर्जा का समन्वय करके कार्य करने का एक अच्छा वो तरीका अपनाया है। हमारा जो लोक पर्व हरेला उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, उसी के तहत जो दानपुर सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य पर्यावरण संघर्ष में अपनी भागीदारी पूरे माह भर से दे रहे हैं, तो आज मुझे भी आपके साथ कुछ पौधरोपण का नीलेश्वर पहाड़ी में सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छा है कि हम इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखें और अपने साथ अधिक से अधिक युवा साथियों को जुड़ें। और जो विद्यालयों में आपके कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि आपकी जो पूरी टीम है बहुत सुंदर है और बड़ी अपने पे आप पे योग्यता रखती है। और आप जो भी कार्य समाज में करेंगे तो जनमानस और आपके जो छात्र छात्राएं हैं वो जरूर अनुग्रहित होंगे और एक बहुत शुभ संदेश सफल भविष्य के लिए समाज में मिलेगा। मैं इसी के लिए हरेली की पूर्व संध्या पर जो आज कार्यक्रम विभिन्न स्थानों में किए गए आपके द्वारा और वन विभाग के द्वारा और रेड क्रॉस के द्वारा अपनी धरोहर संस्था दीप क्लब वाटिका के माध्यम से, तो बिना एनसीसी एनएसएस के माध्यम जो आज कार्यक्रम पूर्व संध्या पे किए गए, तो कल भी व्रत इस तरह कार्यक्रम पूरी जनता में हो रहे उत्तराखंड प्रदेश में, तो इसी को किसी तरह कारण से ये रुके ना। और हमारा ये प्रयास हो कि हम हर साल इस तरीके से डेवलप करें और उसमें कम से कम 8-10 प्रजाति के संयुक्त पौधों को लगाएं, क्योंकि पौधों की कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन उन पौधों को लगाना बहुत जरूरी है जो विलुप्त के कगार पर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीड़ बावली क्षेत्र हो तो उसके बीच में अन्य पौधों को पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये प्रयास हमेशा ज्यादा रहे। पुनः पूरी टीम का मैं हार्दिक आभार धन्यवाद करते हैं, आपका आभार धन्यवाद। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।